members of the mental with her bipolar. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड यू वॉचिंग कबीर ब्लॉग। सो गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्यू एन ए वीडियो होने वाली है। सो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी क्यू एन ए वीडियो के ऊपर। सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि कुछ भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। सो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और उसका मैं जवाब अपने यूट्यूब चैनल पे दूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और मैं सब बताऊंगा कि जो जो मेरे पास आए हैं क्वेश्चन। मेरे फोन में सारे क्वेश्चन हैं और सबके क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए हैं अभी मेरे फोन में, और जो जो मेरे को सही लगे क्वेश्चन वो मैंने उठाए हैं। फालतू क्वेश्चन कोई भी नहीं उठाए। सो अब मैं उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपको। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है श्रुति कुकरेजा का, यू आर सो क्यूट हाउ ओल्ड आर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। एंड मेरी एज है 16, मैं 16 ईयर्स का हूँ। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है आई एम पायल 18, व्हाट इज योर एज। सो मेरी एज है 16, ठीक है। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है गुड एक्स गर्ल 885, तुम इतने क्यूट क्यों हो बताओ मुझे। सो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वो पूछा है पूजा चौहान ने, तुम इतने क्यूट क्यों हो और आंसर प्लीज। पता नहीं। तो अब आते हैं हम जिम की ओर। सो जिम के बहुत सारे आए हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी बाइसेप क्या है। सो उसकी तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा वो है आकाश नितेश, यही नाम है। सो बाइसेप साइज कितना है तेरा। मेरा बाइसेप साइज मैंने कभी चेक नहीं किया और कसम से अगर आपको होता चलता तो मेरे को बताना, ठीक है, नीचे कमेंट में क्या होता है मेरे को नहीं पता। और अब बढ़ते अपने सिक्स क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है वो है तन्मय गुप्ता की तरफ से, योर डाइट। सो गाइस, मेरी डाइट कुछ ऐसी नहीं है, अलग नहीं है, बस मैं ना जंक फूड खाता हूँ ना ऑयली खाता हूँ। मेरी नॉर्मल डाइट है जो है बाकियों की। वेज चिकन मैं खा लेता हूँ, इसमें कोई मैं परहेज नहीं करता का, जंक फूड और ऑयली कुछ नहीं खाता उसके अलावा। क्वेश्चन है नितिन सिंह 37, भाई कितना टाइम से जिम कर रहे हो और आपकी एज कितनी है, एंड लव यू ब्रो, ऐसे ही तरक्की करो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ब्रो, ऐसे ही प्यार करते रहो। और मेरे को जिम करते हुए आई थिंक ये मैंने अभी लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था जिम। सो उससे पहले मैंने कभी नहीं जिम ट्राई किया ना, मैं कभी डंबल को छुआ भी नहीं था। सो मेरे को एकदम से जोश चढ़ा, जुनून चढ़ा करने का, इसलिए मैंने जिम स्टार्ट किया। जो हमारा एक क्वेश्चन है वो खुशी जहा की तरफ से है, आपको जिम जाना ज़्यादा पसंद है या यूट्यूब पर वीडियो बनाना। यूट्यूब बहुत अलग है और जिम बहुत अलग है। सो मेरे को जिम भी जाना पसंद है और यूट्यूब पर बनाना। और अगर करियर की बात आती है तो यूट्यूब सबसे पहले है, क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए बहुत कुछ है इसलिए। तो गाइस, नाइन क्वेश्चन है अमन खान की तरफ से, प्रोटीन कौन सा लेते हो ब्रो। मैं अभी कोई प्रोटीन नहीं ले रहा, अभी नेचुरल ही कर रहा हूँ मैं। सो अगर मैं कोई भी प्रोटीन लूंगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो अभी मैं कोई प्रोटीन यूज नहीं कर रहा। सो अपने टेंथ क्वेश्चन की ओर अभी बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा टेंथ क्वेश्चन है रिया कठारिया की तरफ से, योर एज हाइट वेट हॉबीज फेवरेट एक्टर एंड एक्टर, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पंजाब हो। एक ही सांस में सब बोल दिया इस लड़की ने। सो योर एज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एज है 16, हाइट 5.5, ठीक है। वेट नहीं पता मेरे को, वेट आई थिंक 60 है मेरा वेट। हॉबीज मेरी डांसिंग, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, फन करना। फेवरेट एक्टर सुशांत है मेरा फेवरेट एक्टर, जो उनकी डेथ हो गई है। कहाँ रहते हो, मैं घर पर रहता हूँ। ओ पंजाब हो, नहीं मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली इंडिया। सो 11th क्वेश्चन है निखिल बड़ावला की ओर से, भाई यूट्यूब चैनल को बढ़ाया कैसे जाए। ब्रो यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो न्यू वीडियो डालनी पड़ेगी, रोज कंटेंट बढ़िया बढ़िया लाने पड़ेंगे, इसलिए लोग आपको देखेंगे और आगे सपोर्ट करेंगे। तो मेहनत करो, बस मैं यही बोलूँगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन है हरनू सोया का, हु इंस्पायर यू द मोस्ट फॉर यूट्यूब वीडियो एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट दे थिंग्स आर फॉर यू। सो दानिश यान को देख के इंस्पायर्ड हुआ था। और यूट्यूब पे काम करना अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फन होता है और अपने आप को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी मोटिवेट करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यूट्यूब पे काम करना चाहता हूँ आगे भी।
सो आज 13 क्वेश्चन है जस्टिन ड्रिस की तरफ से. विच कैमरा डू यू यूज ब्लॉगिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सच अ बिग यूट्यूब चैनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ मेरा यूट्यूब चैनल. अगर आप सपोर्ट करोगे तो एक दिन जरूर हो भी जाएगा. सो वैसे जो मैं कैमरा यूज करता हूँ, मैं कोई कैमरा यूज नहीं करता, मैं अपना फोन यूज करता हूँ और फोन का नाम है Redmi 8A Dual. बस मैं उससे ब्लॉगिंग करता हूँ. अभी मैं सोच रहा हूँ आईफोन लेने का, तो जल्दी आईफोन से भी ब्लॉग आएगा बढ़िया बढ़िया. सो सपोर्ट करो, बस मैं यही कहूँगा, प्यार दिखाओ अपना. 15 क्वेश्चन में वो है आदर्श वन की तरफ से. भाई आपकी फर्स्ट वीडियो को कितने व्यूज आए थे? ब्रो मेरी फर्स्ट वीडियो को आई थिंक सो 100 या 200 व्यूज आए थे, और तब मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था कि मेरे इतने कम व्यूज़ आए, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा लो फील हुआ, गिव अप मेरे को थोड़ा हुआ कि यार मेरे इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं ये है. फिर लेकिन तब भी मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने सोचा नहीं आगे बढ़ूँगा मैं और वीडियोज़ डालूँगा, एक ना एक दिन तो व्यूज़ आएंगी, ठीक है. सो इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी को भी. सुबह से वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये वीडियो बना के मुझे, और आपका प्यार दिखा इस वीडियो में मुझको बहुत ज़्यादा. ऐसे ही प्यार करो. सुबह जितना भी आपने क्वेश्चन में से पूछे मैं उसके जवाब देने की कोशिश की, और जितने दिए उनके लिए थैंक यू, और जिनके अभी क्वेश्चन रह गए आई एम सो सॉरी. सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन रह गए अभी भी मेरे पास. देखो गाइस आई थिंक आपको दिख रहे तो अभी भी मेरे पास इतने क्वेश्चन बचे हुए हैं और मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा. सो सॉरी, बस ऐसे ही प्यार करो. सो ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा मजेदार. बस सपोर्ट करना, प्यार करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कराया करो ये वीडियो को, दिखाया करो अपने फैमिली मेम्बर को सबको. सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन पीस आउट.